मजा आ जाएगा अगर आज घड़ी दे दी एप्पल की, तो भयंकर 90,000 की घड़ी भाई साहब की। अगर हम कर लेते हैं तो हमारी ना एप्पल वॉच फ्री हो जाएगी। गाइस देख सकते हो कुछ न्यू आया है, तो चलो उसको अनबॉक्स करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें क्या मिला है। लेट्स गो। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारी बाइक सर्विस हो रही है और कितना काला तेल निकला है, बहुत सारा इंजन ऑयल। बस हो जाए, दिक्कत है जितनी भी है सही हो जाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हो, कि मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो गाइज, आज मैं काफी टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। आज ना मैं वापस से जाने वाला हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं गया था तब दिवाली का टाइम था और तब मेरी बाइक की सर्विस नहीं हो पाई थी, बंद था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज, अभी हीरो शोरूम आया था और अभी ना शोरूम सब बंद है। वो कह रहे थे कि 2 तारीख तक खुलेंगे, दिवाली है क्योंकि, तो चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि सर्विस करवा ही लेते हैं। एक आध दिक्कत आ रही है, वो मैंने आपको मोटो ब्लॉग पे बताऊंगा। देख सकते हो यहाँ पे गोप्रो पे चार्ज हो रहा है, बहुत टाइम के बाद गोप्रो भी मतलब लगा के जाऊंगा तो मजा आने वाला है। और ना एक चीज चल रही है, जैसे ना एप्पल ने एक फिटनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें अगर हम एक एप्पल वॉच लेते हैं और अगर डेली हम 15,000 कदम चलते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लगभग 12 किलोमीटर बैठता है, अगर हम कर लेते हैं तो हमारी ना एप्पल वॉच फ्री हो जाएगी। तो इसी का पता लगाने आज जाऊंगा, मतलब देखते हैं अगर होगा तो, क्या पता आज हम एप्पल वॉच भी ले लें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पहले मैं पता करता हूँ फिर आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। अभी तो फोन में ना बैटरी नहीं है, तो फोन को थोड़ा चार्ज पे लगाता हूँ, इतने चाय वाय पीता हूँ, चिल मारूंगा और जब फोन चार्ज हो जाएगा फिर वहां जाऊंगा, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा टाइम लगता है, तो गेम वेम खेल लूंगा फोन में इतने। तो गाइस देख सकते हो गोप्रो चार्ज हो चुका है 94%, बस इसको फॉर्मेट मारना है और इट्स रेडी टू यूज। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये देखो, एक ऐसी बोतल आती है 24 आवर हॉट एंड कोल्ड, ये बोतल ना काफी सही रहती है। पिछली बार मैंने ना इससे छोटी ली थी 1 लीटर वाली, लेकिन बड़ी वाली लेना। इससे क्या रहता है ना, जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो इसमें गर्म पानी रखोगे ना तो गर्म पानी एकदम गर्म रहता है 1-2 दिन तक, आलस आता है ना तो थोड़ा थोड़ा निकाल कर पी सकते हैं। और जब गर्मी रहती है तब ठंडा पानी रखो, ठंडा रहता है एकदम मस्त है। देख सकते हो मैंने ना कल परसों उसमें मतलब भरा था पानी, अब निकाल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय भी आ चुकी है, देख सकते हो भाई साहब की इसमें अभी भी धुआं निकल रहा है। कैन यू इमेजिन गाइस, यार मतलब मैंने कल परसों भरा हुआ था पानी सुबह और सही है अभी तक गर्म है। अभी मस्त चाय पियेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे कंप्यूटर पे। और एक चीज और दिखानी थी ना, 2 चीज मैंने ली थी देखो इन द मीन टाइम। एक तो ये माउस पैड लिया था, इसकी वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ, क्लिप ऐड करता हूँ। गाइस देख सकते हो कुछ न्यू आया है, तो चलो उसको अनबॉक्स करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें क्या मिला है। लेट्स गो। ये नई चीज की अनबॉक्सिंग, सबसे पहले हमारा आपको दिख रहा होगा माउस पैड, और ये काफी ज्यादा मतलब बड़ा माउस पैड है, मजा आ जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें एड्रेस ना दिख जाए भैया, ये हमारे आलू पैड का कवर, देख सकते हो गाइस, ये है अपना कवर और ये है माउस पैड। तो चलो इनको खोल देता हूँ पहले। देख सकते हो गाइस, पहले वाले माउस पैड की हालत बहुत खराब हो चुकी है, मतलब कितना ज्यादा घिस गया, 2-3 साल हो गए और बिल्कुल ही अजीब हो गया, चिपक भी गया, पता नहीं क्या हो रहा है इसका सीन। तो इसको हटाते हैं और नए वाला लगाते हैं, ये काफी बड़ा लग रहा है मेरे को, वह इसको बिछा के देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया मैंने शायद, और सही ले लिया, देख सकते हो ऐसा कुछ है। और एकदम प्लेन ब्लैक लिया मैंने, इसका मटेरियल भी काफी सही है, आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो मतलब सही लग रहा है ये एकदम, जैसे पहले वाला था ना स्पीड टाइप ऐसा ही है। और प्लेन ब्लैक लिया क्योंकि एस्थेटिक लगता है, सही रेट में मिल गया था। इसको हटाते हैं फिर दिखाता हूँ आपको अच्छे से, देख सकते हो गाइस माउस पैड लग गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, काफी बड़ा साइज है, ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ा मुझको, 300-400 रुपए का ही था शायद, मस्त है एकदम, देख सकते हो अच्छा लग रहा है ना। रही बात दूसरी चीज की है, मैंने ना आईपैड का कवर लिया है, देख सकते हो ये मतलब मेरा दूसरा ही कवर है पूरी जिंदगी में, ये देख सकते हो पहला वाला कवर की हालत कितनी खराब हो चुकी है, लगभग 4-5 साल से ना मैंने आईपैड लिया था उसके बाद से कवर ही नहीं बदला, सोच रहे हो, देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो चुकी है। और इसमें डर क्या रहता है ना, ये ऐसे ही गिर जाता है, मतलब ऐसे करके अच्छे से ग्रिप ही नहीं है इसमें, और ये मेरा प्यारा 4-5 साल मतलब काफी टाइम से चल रहा है आईपैड, मस्त एकदम मस्त यूज करता हूँ इसको गेम वेम खेलने के लिए, सही है। तो इसको अब इसको नए कवर में डालते हैं, कितनी बुरी हालत हो चुकी है देख सकते हो, तो चलो उसको चेंज करते हैं। तो भाई कितना सही बैठ गया कवर, मतलब सही है यार, ये तो काफी अच्छा कवर है। और इसमें ना ऐसा भी है देखो, मुझे पता ही नहीं था, ऐसे स्क्रीन खोलूंगा तो बंद हो जाता है, मतलब ऐसे बंद करूंगा तो बंद हो जाता है, ऐसे खोलूंगा तो खुल जाता है, मस्त चीज है यार ये तो, देख सकते हो इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, इसको बंद करेंगे कटक आवाज आएगी, है ना,
मस्त है ये तो यार, कितना प्यारा लग रहा है। और एक आईपैड का कवर लिया था, तो अभी बस थोड़ा चिल मारते हैं, फोन चार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में। हम वैसे आजकल मैं वो खेल रहा था, ब्रॉल स्टार नाम की गेम है ना, मोबाइल पे सही लगती है ऐसे टाइम पास के लिए। वहाँ पे जिससे बाइक वाइक सर्विस करते हैं ना, तो बोर लगता है, तो गेम खेलूंगा मस्त। तो चलो अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि एक प्ले बटन कहाँ चला गया, तो एक प्ले बटन ना गिर गया था यार, ये टेप से चिपका रखे मैंने, तो टेप से बड़ी दिक्कत है, कभी भी गिर सकता है। मतलब सोच सकते हो मैं यहाँ पे सोता हूँ और यहाँ से ऊपर से गिर जाएगा, थोड़ी दिक्कत है। अब उसको रख रख कर संभाल के उसको भी लगाएंगे, बढ़िया से कील से लगाएंगे इन सबको। तो चलो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ, बस आज पोपट ना हो, आज अच्छे से काम हो जाए। और देख सकते हो मैंने यहाँ पे मोटो व्लॉग सेटअप भी रेडी कर दिया बहुत टाइम के बाद, आई होप ऑडियो सही से आ जाए। तो चलो इस पे स्विच होता हूँ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मोटो व्लॉग। तो गाइस आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो आज मैं बहुत टाइम के बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। आई होप आपको ना आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, कहीं माइक ख़राब हो गया और कैमरा एंगल भी ठीक दिख रहा होगा, क्योंकि एडजस्ट करने का भी लग नहीं रहा, मेरे को लगता है सही होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए आपको। तो अभी ना मैं देखो बाइक की सर्विस कराने के जा रहा हूँ, एक आध दिक्कत आ रही है ना, एकदम से लाइट ऑन नहीं होती, अभी हो रही है, देखो अभी मैंने ऑन किया ना, हुई नहीं, ठीक है, कुछ कुछ दिक्कत है, मतलब ऐसे लाइट ऑन नहीं होती बस, और कभी कभी ऐसे स्टार्ट होने में बहुत रेयर दिक्कत देती है। देख लेंगे, क्या पता बैटरी लूज़ हो रही हो, चेक कर लेंगे। मैं आपको एक एप्पल के प्रोग्राम के बारे में बता रहा था, उसमें कहना है कि अगर आप जैसे चलेंगे लगभग 15,000 कदम, तो आपको ना मतलब पॉइंट्स मिलेंगे, उससे आपकी एप्पल वॉच फ्री हो जाएगी। अगर आप डेली चलेंगे 15,000, मतलब ऐसे रोज़ के पॉइंट गिनते रहेंगे, उस हिसाब से हमें क्या कहते हैं कुछ पॉइंट करने पड़ते हैं एक साल के अंदर, एक साल में करने होंगे एक साल तक। तो देखते क्या है, वैसे मेरे को एक्चुअली में ज़्यादा पता नहीं, नेट पर ही देखा था मैंने, बाकी तो अभी वहीं जा रहा हूँ सीधा एप्पल स्टोर, देखते अगर हुआ ऐसा ऑफर तो ले लेंगे, वरना कोई नहीं, लेकिन वही है ले तो लूँगा मैं, पर वो है ना कि क्या कहते हैं 15,000 कदम रोज कैसे चलेंगे। पर हमारे लिए थोड़ा विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर कर दिया मैंने, एक तो मेरे को ना थोड़ा बाहर जाने का आदत हो जाएगा, क्योंकि जाना ही पड़ेगा बाहर चलने के लिए, और अगर हम बाहर चल लेंगे तो क्या कहते हैं मज़ा ही आ जाएगा, जैसे कि हाँ। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम जैसे बाहर चल लेंगे, ठीक है, बाहर जाएंगे 15,000 कदम चलने के लिए, मतलब 12 किलोमीटर होता है मैंने देखा, अगर इतना भी कर लिया तो फिटनेस हो जाएगी बढ़िया एक साल में, तो मुझे लगता है पेट वेट कम हो जाए, मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। और क्या कहते हैं, एप्पल वॉच भी मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा यार, चला के नहीं देखी मैंने, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास एप्पल की, आईपैड है, मैकबुक और फ़ोन है, तीन चीज़ तो है मेरे पे, वॉच भी देखते हैं ट्राई करते हैं। मतलब मैं सोच तो रहा था कि क्या कहते हैं अगर कुछ ऐसा होता तो बढ़िया रहता, मतलब कि एप्पल वॉच लेके ऐसे मैं फिटनेस करता रोज यूँ, मतलब जॉगिंग पे जाता यूँ, ड्रोन पीछे फॉलो कर, ऐसा कुछ कुछ सोच रहा था मैं मस्त। बाकी क्या कहते हैं अब देखते हैं, करना ही पड़ेगा अगर होगा ये ऑफर तो, अभी चलते हैं। मैं थोड़ा सा अभी ना बोलने में वो हो रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मतलब बोलने वाली वीडियो छोड़ दी थी मैंने बनानी, और क्या कहते हैं ऐसे नॉर्मल ही चल रहा था, अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो अच्छे से करते हैं, होपफुली यार कुछ रेगुलर व्लॉग भी बनाऊंगा, ये आजकल तो ऐसे ही चल रहा था यार, क्या बताऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, घर में ही रहता था मैं पूरे दिन, तो उसके लिए ना ये सही रहेगा मेरे लिए, चलना फिरना भी हो जाए ना, तो भी मतलब उसका फ़र्क पड़ेगा, बैठे बैठे रहने से तो होने वाला नहीं है कुछ। तो चलो अभी क्या कहते हैं पहुँचते हैं थोड़ा सा आगे तक, अभी तो मैंने मतलब क्या कहते हैं सब सही है, मतलब आई होप, जय भगवान की, देख सकते हो आज हम सुबह सुबह ही निकले हुए हैं मस्त एकदम, बाइक की भी सर्विस हो जाएगी ना, अगर हो सकेगा तो रोज़ बाहर जाऊंगा, क्या पता ट्रिप व्रिप भी मारे साथ, फिर घूमने जाओ कहीं, चलना फिरना तो हो जाता है। मैं अभी बैंगलोर गया था ना, तो वहाँ तो मैं रोज़ चल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था 15,000 से, थक जा रहे थे, मुश्किल भी है ये, पर देखते हैं अगर कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा, और मुझको चैलेंजेस पसंद हैं यार ऐसे कुछ कुछ, ये मतलब अगर ये कर लिया तो अच्छी ही बात है, क्योंकि देखो एक तो फिट हो जाऊंगा, ठीक है, वॉच मिल जाएगी, वो चलो अलग बात है, लेकिन सही है, एक मोटिव तो रहेगा कि यार चलना है, ऐसे तो रहते हैं कि यार कभी भी कर सकते हैं है ना, समझ रहे हो, पिछली बार तो मेरा वो हुआ ही नहीं था सर्विस, तो शीशा भी गिर जाता है यार, अगर पूछूंगा अगर शीशा हो जाए चेंज,
अगर पड़ेगा कितने का पड़ेगा, झूल जाता है बार बार नीचे। थोड़े बहुत काम करवाते हैं बाइक में, एग्जॉस्ट चेंज कराने का मेरा मन है बाइक का, लेकिन वही है ना, चलान कटेगा। अपने इधर तो शायद ना कटे, लेकिन मैं एक बार वहाँ गया था यूपी, यूपी साइड ऐसी पापा के साथ था मतलब, तो वहाँ ना ऐसे ही रोक लेते। जैसे मेरे सामने गाड़ी जा रही है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल दिख गया मेरे को इसमें, देखो नंबर प्लेट है ना, नंबर प्लेट के लेफ्ट में इंडिया नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अजरा से ठीक है, इंडिया नहीं लिखा हुआ, ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है मतलब, तो इसमें ना पुलिस रोक ले रही थी। वैसे मेरा एग्जॉस्ट भी चेंज होगा तो रोक नहीं लेगी, देख सकते हो यहाँ पे इंडिया नहीं लिखा हुआ, लेफ्ट साइड में ना इंडिया लिखा रहता है हमारी जो नंबर प्लेट रहती है। अभी यहाँ की गाड़ी नहीं है उसकी, ऐसी एच की चंडीगढ़ की, तो यहाँ पे मतलब पकड़ते हैं दूसरे स्टेट वाले ज़्यादा पकड़ते हैं, ये दिक्कत रहता है। इंडिया लिखा रहता है, देख सकते स्कूटर में छोटा सा इंडिया लिखा हुआ था। एक ख़तरनाक चीज़ भी हो रखी है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी मतलब सही टाइम नहीं है, मतलब बताता हूँ थोड़ी सी एक दो चीज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत ही बेकार चीज़ हो रखी है यार मेरे साथ, उदास हो रखा था मैं, इसलिए कुछ ज़्यादा बना नहीं रहा था। बताऊंगा अभी आपको थोड़े टाइम में, एक आध दिन में, अगर क्या कहते हैं, अभी घर में भी नहीं बताया मैंने वैसे मैं इसके, घर में बताऊंगा फिर बताऊंगा आपको, समझ रहे हो। ठंडी का टाइम है ना, तो वो फिटनेस वाला भी हो जाए अगर तो सही है। पापा को भी पूछना पड़ेगा, मैंने पापा से भी नहीं पूछा घड़ी वड़ी के बारे, पहले हो तो जाए ऑफर तभी तो पूछूंगा, है कि नहीं, तो पिछला ऑफर हुआ नहीं, पहले ही बता दिया मैंने, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। जो भी वो देखते हैं, क्या पता जो हमारे लक होगा, किस्मत होगी तो एप्पल वॉच आ जाएगी, लाइट्स गो, मज़ा ही आ जाएगा, फील भी आएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फाइनली मैं आ गया था और यहाँ पे है ही ऑफर, बस एक बार पापा से पूछना है फिर ले ही लेंगे ये वाली वॉच, मज़ा आ जाएगा। अभी चलता हूँ हीरो के सर्विस सेंटर, अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं। मैंने बाइक तो दे दी यहाँ पे सर्विस के लिए, अभी टाइम लगेगा क्योंकि तीन चार बाइक है, तब तक मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ। यहाँ पे एक और रिलायंस डिजिटल का स्टोर है, तो यहाँ पे पूछ के आते हैं वॉच वाला ऑफर। तो गाइस यहाँ पे बैठ चुका हूँ, अंदर नेट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ से पूछ के बैठ गया शोरूम में। बाइक है यहाँ पे बहुत सारी, देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारी बाइक सर्विस हो रही है, और कितना काला तेल निकला है, बहुत सारा इंजन ऑयल, बस हो जाए दिक्कत है जितनी भी है सही हो जाए। अभी तो मैं बस यहीं बैठा हुआ हूँ, देख सकते हो बाइक के पास ये। तो गाइस सर्विस हो चुकी है अपनी, मस्त चलो लेट्स गो। अभी ना बड़ी ढलान सी आते हैं यहाँ पे, बहुत टाइम लग गया मेरे को, पर कोई नहीं, चलो हो गई सर्विस, बहुत टाइम से पेंडिंग थी। हाँ हो गया, ठीक है ना। तो गाइस फाइनली सर्विस हो चुकी है, अब चला के देखते हैं कैसा रहता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक जियो का स्टोर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे है ना रिलायंस डिजिटल का एक और स्टोर। यहाँ पे मैंने मतलब क्या कहते हैं, यहाँ से भी पूछा था एप्पल वॉच के बारे में, तो इन्होंने भी बताया था, मतलब अभी कंफर्म है, अभी बस पापा से पूछना है। ये भी वही बता रहे थे कि आप ना मतलब ऐसे 15,000 कदम चलेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेगा, और उस पॉइंट से हमारी वॉच फ्री हो जाएगी। मतलब महीने के एंड तक इतने पॉइंट इकट्ठा करना होता है, फिर महीने में या 3 महीने में रिडीम कर सकते हैं। बाकी ऐसा ही सीन है, मतलब सही लगा मेरे को तो, 15,000 कदम यार चल सकते हैं, इतना वो नहीं है। क्योंकि मैं अभी घूमने गया था ना पहले बेंगलोर, तो उधर भी मतलब रोज ही चल रहा था 15,000 कदम से भी ज़्यादा, और ढंग से मतलब क्या कहते हैं, उस टाइम तो मोटा सा ही था, मतलब ज़्यादा फिट भी नहीं था, अभी भी थोड़ा ऐसे ही हूँ, पर यह है कि यार फिट हो जाऊँगा, मतलब आ जाएगा थोड़ा सा एक मोटिव मिल जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ यार, तो मैं सोच रहा हूँ अल्ट्रा वाली ले लूँ,
ब्लैक कलर की अगर मिले तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो बस घर चलते हैं, बाइक भी ठीक ही चल रही है वैसे, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ से चलते हैं अंदर से, नीचे की साइड से सही है वैसे तो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ये भी ठीक कर दिया इन्होंने, लाइट नहीं जलती थी मेरी बाइक की, और गियर भी शायद सही चल रहे हैं, और स्टार्ट होने थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एक और चीज़ है कि ना देखो, मेरे जो बाइक है उसमें ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है लेफ्ट वाला, अब मैं इसके बिना चलाता हूँ ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको मैं चिपका ही दूंगा, फिर आप लोग सोचोगे यार मत करो ये वो ये वो नया बदल दो। देखो मैं इसके बिना ही चला रहा हूँ, तो इससे अच्छा इसको चिपका ही देता हूँ, काम तो आएगा थोड़ा बहुत, जब तक फिर लगेगा कि चेंज करना है तो चेंज कर लूँगा मैं, है ना, दोनों ले लूँगा या एक ले लूँगा जैसे सही लगेगा, मतलब अभी काम चल जाएगा। और ऐसे कुछ पैसे लगाने का लग नहीं रहा इसमें कि नया बदल के लगा दूँ मैं, पता चला फिर ख़राब हो गया। ये देखो लाइट जल गई ना, मन किया तो जला दी। यहाँ से चलेंगे अपने घर की ओर, मज़ा आ जाएगा अगर आज घड़ी ले ली एप्पल की तो, भयंकर 90,000 की घड़ी भाई साहब की। सोचा तो नहीं था कभी लूँगा एप्पल वॉच, पर आज ये है ना कि ऑफ़र है तो ले रहा हूँ, वरना तो ना लेता। हल्की चल रही है बाइक, पता है गियर एकदम पटपट डल रहे हैं, क्लच व्लच कुछ तो सही किया उन्होंने, पिछली बार जिसने किया था ना वो सही से नहीं किया था, उसने कुछ छेड़ मचा दी थी, उसके बाद मैंने चलाई भी नहीं ज़्यादा पिछली सर्विस के बाद, मतलब इस सर्विस के बाद घिसेंगे इसको फिर मस्त एकदम, मज़ा ही आ जाता है वैसे। आई होप रिकॉर्डिंग चल रही होगी, लाइट्स को चल रही है, और आई होप आपको आवाज़ सही आ रही होगी, मेन तो दिक्कत आवाज़ की है। अभी बस यहाँ से थोड़ी खुली रोड आ जाए ना, फिर एक काम करूँगा, एक गियर रीसेट करूँगा, मतलब इसका जो मीटर है ना ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे, और फिर भगाएंगे, मतलब देखते हैं कितना एवरेज निकालेगी फिर से। बाकी आप लोग सोचोगे कितना रुपये लगता है सर्विस कराने में, तो इसका इतना खर्चा है नहीं, 1300 रुपये लगते हैं, 1296 एग्जैक्ट बताऊँ तो। अब उसमें चेन क्लीनर के कुछ पैसे होंगे और कुछ वैसे पैसे होंगे, इंजन ऑयल के शायद 1200 रुपये हैं, तो सही है। इसमें एक 1.5 लीटर का पता नहीं कितने का डलता है, और वो ये हर बार चेंज होता है। बाकी कोई वैसे ले लेता ना बुलेट शुलेट तो उसमें तो फिर 3000 का डलता, क्योंकि 3 लीटर चेंज होता ना मस्त एकदम। वही है, मेंटेन थोड़ी महंगी पड़ती है बाकी बाइकें, महंगी कंपनी की तो ले लो। BMW का मैं देख रहा था शायद 10,000 रुपये की पड़ती है, चाहे उसकी 3-3.5 लाख की नहीं आती बाइक, वो वाली भी ले लो तो महंगा है उसका हिसाब भी, 10,000 की सर्विस, 1200 में हो जा रहा काम। पर कहते हैं कि BMW की शायद सिर्फ 2 बार ज़रूरत पड़ती है साल में, पर इसकी भी तो ऐसे ही पड़ती है, पर है ना सस्ती तो है इसकी, इसकी होगी महंगी क्योंकि महंगी कंपनी है ना। बाकी मस्त जा रहे हैं यहाँ से, अब लेफ्ट लेंगे ना फिर भगाऊंगा मस्त अपनी बाइक को, मज़ेदार एकदम। बाकी एक कमी लगती है अपनी बाइक में एग्जॉस्ट की, ये देखो ये बार बार हर छः मेरा जा रहा है इस पर, चिपका दूंगा इसको आज तो, फेवी क्विक तो पड़ी है घर पे, बैठ के मतलब कर दूंगा काम इसका भी। यहाँ कहीं से ट्रिप ही साइड करेंगे, सीधी गली आ रही है ना, आ गई सीधी गली, इतना मार रहे ट्रिप फ्री से यार, लेट्स गो। अब चलाते हैं मस्त, देखते हैं कितने का एवरेज आएगा, नॉर्मली जैसे चलाता हूँ वैसे ही चलाऊंगा। बहुत टाइम बाद मोटो व्लॉग बना रहा हूँ ना, मज़ा आ रहा है, अब बनाऊंगा, अब वो घड़ी वड़ी लेके ना फिटनेस का मेरा वो रहेगा ना कि क्या कहते हैं डेली चलना है, तो डेली बना दिया करूँगा कुछ ना कुछ तो मस्त एकदम, तभी तो आगे बढ़ेंगे यार, ऐसे नहीं बढ़ेंगे आगे, अब डेली का ज़माना है, जो डेली कर गया ना वही निकलता आगे। 0.8 किलोमीटर हो गया है, इस बाइक पर डर नहीं लगता इतना, जैसे 60-70 की स्पीड पर भी ना स्कूटी वूटी पर जान निकल जाती है, किस स्पीड पर स्लिप भी खाती है वो, या 44 का एवरेज, लेट्स गो। इतना मतलब हाईवे तक मिल जाएगा अगर मैं स्पीड मेंटेन करूँगा हाईवे पे, दैट्स वेरी गुड यार, वेरी गुड। गोप्रो रख लेता हूँ मैं क्योंकि घर नहीं दिखा सकते। बस वही है यहाँ से जो आगे का एरिया है वही हम रहते हैं, चलो इसको रख लेते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली घर आ गया, अभी थोड़ा आराम करता हूँ,
फिर देखते हैं क्या रहता है सीन, वॉच का लेंगे कि नहीं। आज ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम अगली बार अगले बेहतरीन व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।